हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। भोजपुरी मूवी है और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि जो हमारे यूपी बिहार झारखंड भोजपुरी जो भी बेल्ट है कुछ पुरानी जो विधाएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं और उसी चीज़ को मैं इन नए बच्चों के माध्यम से उसको मैं शहर में लेके आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो विधाएं शहर में आके इस फिल्म के माध्यम से डेवलप करती है और वो एक अच्छा संदेश समाज को देती है और बहुत ही मतलब इसमें थोड़ा सा लव स्टोरी भी है
फुल कॉमेडी भी है और एक कल्चर आधारित मूवी है जो हमारे यूपी बिहार झारखंड से बिलोंग करती है। और इसमें मेन लीड बिमल बेदर्दी कर रहे हैं और लीड एक आस्था तिवारी जो है सामने बैठे हैं ये हैं, और एक और है सेकेंड लीड जो अभी हमारे लोग के बीच में नहीं है, वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, और बाकी एक और लीड है वो भी नहीं आए, और बाकी जो और अलग पर्सन जो भी हमारे ये दो चार बंदे हैं यहाँ साथ में हैं, सभी लोग मिलकर मुहूर्त की अच्छा लगा और एक संदेश रूपी मान लीजिए मूवी है। कुछ चीज़ें ऐसी है ना भोजपुरी की, जैसे कभी कल हम बचपनों में देखा करते थे कि हमारी जो जैसे कभी फरी डांस वगैरह का हम लोग च्वाइस लिया करते, आज वो नहीं दिख रहा है भोजपुरी में। हुरका का एक डांस हुआ करता था जो कभी आज किसी मूवी आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। वो कुश्ती का भी तरीका यहाँ दिखाने का अलग है और गाँव का तरीका अलग है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और फिल्म के कलाकारों का कास्टिंग आपने कैसे किया, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन किया? फिल्म के काफ़ी नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं आप रिस्क ले रहे हैं? नए तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोग आर्टिस्ट हैं और थिएटर किए हुए हैं, और सब कुछ मैंने देख सुन के भी कास्ट किया है और अच्छा लगा मुझे इनका परफॉर्मेंस देख कर चारों तरफ से। ये मिस्टर भोजपुरिया क्या है? ये टाइटल है और टाइटल के साथ साथ वो एक ऐसा नाम है जो बचपन से मतलब गांव में रहा और उसको मिस्टर भोजपुरिया का नाम कब होता है, जब वो शहर में आके उन गांव के चीज़ों को दिखा के डेवलप कर देता है तो लोग उसे एक नाम देते हैं ये मिस्टर भोजपुरिया है, तो ये चीज़ है मिस्टर भोजपुरिया। शूटिंग कब से स्टार्ट होगा सर और लोकेशन क्या क्या होगा आपके फिल्म का? शूटिंग अवैब जनवरी शूट होने वाला है, ये यूपी में हम करेंगे, लोकेशन यूपी का है लेकिन अभी जगह फाइनल नहीं है, मैं कर लूँगा। म्यूजिक पर किस प्रकार से ध्यान दिया आपने? म्यूजिक इसमें मेरी बात हुई है भोजपुरी के जाने माने सभी लोग जानते हैं छोटे बाबा को, उनसे मेरी बात हुई और म्यूजिक मैं उनसे करवा रहा हूँ जी। आस्था जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आपका रोल है, कुछ बताया गया फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से आपको? अभी तो उतना डिस्कस नहीं किया हमने फिल्म के बारे में, अभी डिस्कस करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उसके पहले आपने क्या कुछ किया है, क्या फर्स्ट फिल्म है आपकी, इसके पहले आपने कुछ किया है, फिल्मी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा? इसके पहले मैंने कुछ किया नहीं, अभी फिलहाल में मैंने एक मूवी शाइन किया है यारम, और सर क्या ही वो मूवी है। भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने चुना, लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने चुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस प्रकार से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? क्योंकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरी जो जन्मभूमि है वो वहीं से, इसलिए मैंने भोजपुरी को सिलेक्ट किया फर्स्ट। सर आप बताइए आपका नाम क्या है और इस फिल्म के बारे में बताइए सर, मिस्टर भोजपुरिया। जी सर, मेरा नाम बिमल बेदर्दी है और सबसे पहले मैं आप सभी को अपने पूरी टीम की तरफ से और महंतराज फिल्म के बैनर तले से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। और बोलिए सर, क्या रोल है सर आपका? जो रोल है सर इसमें आप लोग देख ही रहे हैं बैनर पे, और इसमें हमारा करेक्टर रोल है और लीड रोल है, और इस फिल्म में जो भी है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये फिल्म मुझे करने का मौका मिला, और हमारे सर बैठे हुए हैं, हमारे सुरगान सर जी और तमाम हमारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारे टीम के एक्टर हैं, सभी लोग आए हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी पहली फिल्म है? जी पहली फिल्म तो है, और इससे पहले मैंने बहुत सी फिल्में में काम किया था लेकिन वो सब क्लोज हो गए, कोई फाइनल नहीं हुआ। तो ये हमारी फिल्म जो बन रही है मिस्टर भोजपुरिया, हमें आशा नहीं है, पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म में बनेगी, और कोशिश है हम लोग का और पूरे हमारी टीम से कोशिश है कि हमारी फिल्म बने और एक मार्केट में नया चीज़ लेकर उतरे। आगे आने वाले समय और कोई प्रोजेक्ट है इसके अलावा आपका? आगे तो सर अभी डिसाइड नहीं किया है लेकिन चलता रहेगा, पीछे हटने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, आगे बढ़ने का नाम लेते हैं। सूर्यमान जी आपको कुछ कहना है इस फिल्म के लिए ऑडियंस है? ऑडियंस को मैं क्या कहूँ, बस मूवी कर रहे हैं हम लोग, लगे एक इसको कमर्शियल भी लेके चला हूँ और डॉक्यूमेंट्री भी लेके चला हूँ मैं, और लोग से मैं आग्रह करूँगा कि देखें और देखने के बाद अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने भोजपुरी को उठाया है, उस चीज़ों को उठा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि बचपन में कभी हम लोग किया करते थे उसी चीज़ को मैंने इसमें दिखाया है। आपको कितना चैलेंजिंग लगता है कि आज का मार्केट में इतना टफ हो गया मार्केटिंग करना, फिल्में तो लोग बना लेते हैं लेकिन उसको बेचना बहुत मुश्किल हो गया है? लेकिन सर मैं वो सोच के नहीं बना रहा हूँ,
मुझे मैंने आपसे बता दिया कि कमर्शियल भी लेके चला और एक डॉक्यूमेंट्री भी लेके चला, मुझे की स्टोरी देनी है लोगों को, अगर अच्छी स्टोरी रहा अच्छी स्टोरी रही मेरे हिसाब से, अगर स्टोरी अच्छा हो वर्क अच्छा हो तो लोग जरूर देखेंगे, देखने के बाद जरूर बोलेंगे कि बहुत अच्छा स्टोरी है, स्टोरी बेस में मैं काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि नए कलाकारों के साथ शुरुआत में बड़ी मुश्किलें आती है, तो आप इस मुश्किलों का सामना करने के लिए कितने तैयार हैं? ऐसा नहीं है सर, कोई ना कोई आदमी, कहा जाता है कि कोई पेट से सीख के नहीं आता है, और कहीं ना कहीं हर आदमी एक बार नया होता है, और हर एक नया होता है करने के बाद वो बुरा ना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप रखता हूँ भरोसा और इन लोग को मैं करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिस्टर भोजपुरिया का आज मुहूर्त हुआ है, आप भी इस फिल्म के एक किरदार में नज़र आने वाले हैं, बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा नाम अजय दास है और मैं इस पिक्चर में, मतलब सर से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पिक्चर में काम नहीं कर, इससे पहले मैं 2 शॉर्ट मूवी कर चुका हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी पिक्चर है, क्योंकि ये मतलब शॉर्ट मूवी के जैसे है नहीं, बड़ी मूवी है, और मैं पूरे दिल से तन मन धन से मैं इसमें मेहनत करूँगा, और इसमें मेरी बड़ी मतलब ये तो नहीं है किरदार, एक कॉमेडी के तौर पे मैं इसमें कॉमेडी का मतलब आर्टिस्ट का जो होता है किरदार निभाऊँगा मैं इसमें। कितने तैयार है इस किरदार के लिए? मैं कितने तैयार ये तो नहीं बोल सकता हूँ सर, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अच्छी से अच्छी मतलब परफॉर्म कर सकूँ मैं इस पिक्चर में, मैं पहले किया नहीं हुआ सर, लेकिन करूँगा, काफ़ी मेहनत करूँगा इसके लिए, और चाहूँगा कि मतलब एक बहुत बड़ी मूवी और बहुत अच्छी बने, ताकि लोगों का मतलब मनोरंजन हम कर सकें। जी सर, आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए और मिस्टर भोजपुरिया के बारे में बताइए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम पाल जी, मैं सबसे पहले सभी भोजपुरी श्रोतागण को नमस्कार करता हूँ, और अपना चैनल महंत राज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले मिस्टर भोजपुरिया फिल्म का शुभारंभ करते हुए आज इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, और इस फिल्म पुरानी परंपरा को लेते हुए एक बहुत अच्छी कहानी इसमें बनाई गई है, और आप लोग के बीच बहुत जल्दी ही फिल्म आरंभ शूटिंग होने के बाद फिल्म मिस्टर भोजपुरिया की शूटिंग होगी, और बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच ये फिल्म देखने के लिए मिलेगा, और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हमारे लिए सब कुछ है। सर, मैं इसमें किरदार निभा रहा हूँ, हमारा भी इसमें हमारे सर का हाथ है, इसके पहले एक शॉर्ट मूवी हमने किया है और गाने भी 5-6 किए थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मूवी है, पहली बार कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि मिस्टर भोजपुरिया एक अच्छा कहानी है, और हमारे राइटर हैं सर सुरभान राय, बस सर इतना। आप लोगों ने एक स्क्रिप्ट वगैरह कुछ पढ़ी है क्या? हाँ सर, स्क्रिप्ट तो बताए थे सर, हमारे करेक्टर के बारे में बताएं। करेक्टर हमारा है साइड रोल है, जैसे हमारे कोई भी गेम होता है खेलते, हम गांव में बचपन में खेलते थे, कोई भी चीज़ हुआ जैसे खो खो हुआ या कबड्डी हुआ, ऐसे सारे बहुत सारे खेल थे पहले, आज की डेट में नहीं है गांव में, गांव में है चलता है, कम चलता है, आज शहर में तो एकदम नहीं है, इसीलिए ये चीज़ हम शहर में ला रहे हैं ये चीज़। ये विजय चौरसिया जी जो हमारे बहुत अजीज मित्रों में से एक हैं, और ये संजय गिरी जी हैं, ये भी हमारे अजीज मित्रों में से एक हैं, और ये आज़ाद भोजपुरिया, इनके नाम से हम लोग जानते हैं शेखर आज़ाद भोजपुरिया, तो ये समझिए हमारे एक लेफ्ट या राइट जो भी मान लीजिए हमारे करियर के बहुत बड़े हिस्से हैं ये, और मैं चाहूँगा कि विजय भाई कुछ मूवी के विषय में हमारी शुभकामनाएँ दें हमारे लिए। जी विजय जी, क्या कहना चाहेंगे मिस्टर भोजपुरिया के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं महंत राज फिल्म इंटरनेशनल को कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और बधाई देता हूँ मैं, शुभकामनाएँ मेरी साथ है पूरी टीम को, और दो शब्द कहना चाहूँगा मैं, आज जो इन्होंने एक कदम उठाया है इस फिल्म भोजपुरी के लिए, आपने ये देखा होगा कि जितने भी आज के डेट में जो भी प्रोड्यूसर है, और आपने शायद इसके पहले क्वेश्चन भी इनसे किया कि आपने क्यों रिस्क आपने लिया, तो इस चीज़ के लिए मैं इनको सलूट करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे चेहरे को चुन चुन के गांव-गांव से, आज काफ़ी लोग यहाँ से गांव से आए हैं, जो अभी बताया इन्होंने बिमल बेदर्दी जी ने कि काफ़ी सारे फिल्में इन्होंने किया लेकिन क्लोज हो गए, तो यानी सबका एक कैरियर टिका हुआ है इस फिल्म से लेके, जिनकी सब एक मानेंगे तो आप एक सुरभान जी उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेके आए हैं, और काफ़ी
काफ़ी मेहनती सब लोग हैं, मैंने देखा भी है, इसके पहले भी काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो ये एक ऐसा काम आज के डेट में करने जा रहे हैं, एक तो एक न्यू फेस लेके आए हैं, दूसरी एक भोजपुरी की ऐसी एक विधा है जो कल्चर है जो दिन पर दिन मिटती जा रही है, लोग शहर की तरफ आते जा रहे हैं, उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो वो कल्चर को एक हमारा लेवल पे देने का एक जो काम कर रहे हैं, एक मैसेज कर रहे हैं, एक अच्छा मानेंगे तो एक ऐसा वर्क है जो काफ़ी लोग कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब लोग फिल्म को देखते हैं, फिल्म को क्या डालें कि फिल्म अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर परचेस करे, अच्छा रिटर्न्स ले सके, रिकवरी अच्छी से हो सके, लेकिन इन्होंने जो एक नए न्यू कमर्स को जो प्लेटफॉर्म देने का ये जो काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत इनको मेरी शुभकामनाएँ हैं। और मैं एज अ जिस भी रोल्स में जो भी चीज़ें मुझे लगेगी मैं इनके साथ में खड़ा हूँ और हर तरीके से इनकी पूरी टीम को सपोर्ट करूँगा और पूरी टीम को एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.